तो पांच गाड़ी खड़ी, पांच में एक भी पानी चला है, पाइप नहीं चल रहा। आप देखो फायर वाले भी ढंग से काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे हैं। इनको 3 घंटे हो गए आए हुए। हाँ फायर ब्रिगेड आ गई थी, सब तमाशा देख रहे हैं यहाँ पकड़ के, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में, जहां पर आज सुबह भीषण आग लग गई थी। एक बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर आग लगी हुई है। फिलहाल यहां पर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां भी मौजूद है। यहां पर लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार आग का क्या कारण, तब तक कितनी आग को काबू पा लिया गया है, आइए जुड़ते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा विष्णु। तो आप ओनर हैं यहाँ के? हाँ ब्रदर हैं, वो बैठते हैं हमारे भाई साहब, बुलाएं उनको। कोई बात नहीं, क्या हुआ है, किस वजह से आग लगी है? नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ है, मीटर लगे हुए हैं बाहर। शॉर्ट सर्किट हो गया मीटर में, तो कभी किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? बाहर मीटर लगे हुए हैं, पर अंदर नहीं लगे हुए। बिल्डिंग के बाहर मीटर लगे हुए हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी हुई है। ये फायर वाले भी ढंग से काम नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। इनको 3 घंटे हो गए आए हुए हाँ, ढंग से मूविंग नहीं कर रहे। इनके पास सारा कुछ है, टूल रूम काटने का पीटने का सारी कुछ है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे ढंग से। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी तक काबू नहीं पाया गया? काबू नहीं पाया गया, अगर ये काबू करते तो ये 2 घंटे पहले ही काबू हो जाती। उस टाइम पे कोई लगी हुई है ना, 7 बजे की आग लगी हुई है, उस टाइम पे एक छोटा सा रूप था नीचे। सबसे मेन बड़ी मशीन आई हुई है और बड़ी मशीन आई है, 3 घंटे से खड़ी है ये, इसको यूज नहीं किया इन्होंने। और बंद हो गई थी, मतलब अगर ये कंट्रोल से करते तो आधा घंटे में 7 बजे हो जाती, लेकिन इन्होंने ढंग से मूविंग नहीं किया। अब ये 3 घंटे से गाड़ी खड़ी हुई है, अब बगल के शोरूम में भी आग लग गई है, देखो वहाँ भी पकड़ लिया उन्होंने। पहले छोटी दुकान में आग लगी थी, लेकिन आग फैलते हुए बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, फायर ब्रिगेड को कितने बजे फोन किया गया? उसी टाइम कर दिया, आ गई है, आधा घंटे में आ गई है। अच्छा, टाइम आने में टाइम नहीं लगाया, लेकिन आग बुझाने में टाइम लगा रहे हैं। टाइम के इनकी गतिविधि सही नहीं है काम करने की, इनका सिस्टम सही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि किसी को कुछ चोट तो नहीं आई ना इसमें? नहीं, चोट वोट। सामान का कितना नुकसान हुआ है लगभग? सामान तो अब पता चलेगा, अब क्या कोई गिनती का सामान तो है नहीं, है आइडिया नहीं आपको उस चीज़। फायर ब्रिगेड फोर्स लाके खड़ी, भाई ये भीड़ लाके खड़ी कर ली है, कोई इनकी कोई सुनवाई नहीं है ना, लापरवाही। चाहते तो 8 बजे आग भी जाती है, मतलब पांच गाड़ी खड़ी, पांच में तो एक भी पानी चला है, पाइप नहीं चल रहा। आप देखो ना, वीडियोग्राफी करो, एक भी पाइप चल रहा है पानी का, एक पाइप ही नहीं चला रखा है उन्होंने। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे, फायर ब्रिगेड? देखो ना, आप देख रहे हो कोई कर रहा है काम? देखो वहाँ खड़े हो गए, काम कोई मतलब ही नहीं। भी करा सकते हो, बोल दिया आ रहा है वो, बोल दिया इतने मिट्टी हो गया हमारा काम, इतनी देर में हमारा माली आग हो गया, सारा मिट्टी हो चुकी हमारी। मेरी बात सुनो, सर नुकसान आपका, नुकसानों का आप जाओगे, नुकसान हमारा है आपका नहीं, आपका नुकसान मेरा नुकसान नहीं नहीं है, पैसा होता तब तक पूछ जाती। वही बात है ना, आप फील नहीं कर रहे ना सर, ये लाइट आप बंद करा, पहले भी तो हो सकती थी लाइट भाई साहब। तो पहले सर ये लोग बोल रहे हैं कि 7 बजे से आग लगी हुई है, अभी तक काबू नहीं पाया गया। कैसे सच में है कि मशक्कत नहीं की जा रही? मैं देखो, अगर जो फायर ब्रिगेड वाले आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं अपने तरीके से काम करेंगे ना, उनको समझ है किस तरीके से काम, किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी बात सब समझ रहा हूँ मैं, उन्होंने सुबह 7 बजे से आग लगा, पानी भी नहीं मारा, ये लोग आके सिर्फ तमाशा कर रहे हैं, हम आग बुझा रहे हैं। सुबह से कोई काम नहीं हुआ इनके, सुबह से 10-12 गाड़ी आ चुके, बस तमाशा कर रहे हैं लोग, आग खड़ा होकर बाहर कि हम आग बुझा रहे हैं। सर नुकसान हमारा, आपका नुकसान नहीं है, हमारे दिल से पूछा हमारा कितने का नुकसान हो रहा है, और साथ में एक दूसरे का हो गया तो कौन भुगतेगा उसे? आग बुझा रहे, ऊपर जाके छत पे जाके आग नहीं बुझा रहे, कई बार बोल दिया इनसे, सुनते नहीं आई है, ऊपर जाए आग लगाएंगे बुझाएंगे, सारी आग जब जाएगी, पूरी छत पे आग लगी पड़ी है, सुनते नहीं आई है। भगाने से क्या होगा, भीड़ भगाने से क्या होगा, आग बुझवा सब तमाशा देख रहे हैं यहाँ पकड़ के, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, पड़ोस के भी आग लगने वाली है, सब हाथ हाथ रखे हुए हैं, फायर ब्रिगेड आ गई 8-10, सुनवाई किसी तरह की नहीं हो रही है, काम 10% काम हो रहा है, काम में इतना वो नहीं आ रहा, अगर काम तरीके से होता तो ये घंटे पहले ही चाहते, ये चाहते तो हमारे 3 ऊपर के फ्लोर बच जाते, पर उन्होंने चाहे नहीं, जान भी आए थे यहाँ फायर ब्रिगेड खड़ी थी, ये नहीं कि सामने से लगा के कर रहे हैं, जब से लेके अभी तक पीछे भी जगह पाइप मांग रहे हैं, ऊपर से ही पाइप मांग रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले, या कोई सुन के राजी नहीं हो रहा। हाँ चाहते तो आग बुझ सकती थी टाइम से, जाते सब कुछ टाइम से करते तो नहीं, अभी पुलिस वाले हमारे ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं, आग बुझाने के उल्टे हमारे ऊपर खड़े थे। सुबह 7 बजे हम यहाँ कपड़े बेचते और हम खड़े थे यहाँ, आग छोटी सी थी, ज़्यादा भी बड़ी नहीं थी। ये जो फायर ब्रिगेड में जो अभी ये एक व्यक्ति बैठा है ना, ऐसे ही 1 घंटे पहले बैठा रहा,
आग बुझने दी, चलने दी, चलने दी, चलने दी, लेकिन कोई किसी ने सुनवाई नहीं करी। आराम से आ रहे बंदे और खुद अपनी मर्जी से काम कर रहे। हाथ लगा खड़े हैं, चाहते तो फ्रेंड से भी, क्या फ्रेंड से भी आप पाइप मार सकते थे, पीछे से बैक साइड से काम कर रहे हैं। सब लापरवाही एम की, प्रशासन सब गलती कर रहा है। मैम पुलिस आए सिर्फ साइड ही करा रहे हैं, साइड हो गया, साइड हो गया, साइड ही करा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे पुलिस वाले भी, सिर्फ साइड ही करा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये आग जो है यहाँ पर सुबह 7 बजे के करीब लगी थी, जिसके बाद आधे घंटे के अंदर ही दमकल विभाग की कई गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई थी। लेकिन जो लोग यहाँ पर हमें मिले हैं उनका ये कहना है कि दमकल विभाग की तरफ से कुछ मशक्कत से काम नहीं किया जा रहा, वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे, जिस कारण अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अभी लगभग 10:30 हो गए हैं और अभी तक जो है हम देख पा रहे हैं कि आग कहीं ना कहीं जली हुई है, लेकिन हमने इसको लेकर वहाँ के विभाग के इंस्पेक्टर से भी जुड़ने की कोशिश करी तो उनका ये कहना था कि वो अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आग पर कैसे काबू पाया जाए। उनका ये कहना था कि कई स्टेप्स होते हैं, उस वजह से जो है यहाँ पर समय लग रहा है, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए। उनका ये कहना था कि उनका जो है लगातार नुकसान यहाँ पर हो रहा है और आग को काबू में नहीं लाया जा रहा। मैं आपको बता दूं कि आग का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नीचे जो दुकान है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था, बाहरी जो है बॉक्सेस लगे हुए हैं वहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ था और फिर धीरे धीरे आग जो है फैलती चली गई और लोगों का काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि किसी को भी कुछ चोट की घटना जो अभी तक सामने नहीं आई। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।